हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से एडवांस डेली लोन किस तरह ले सकते हैं, इसका क्या मेथड है और इसके लिए कितना मार्कअप आप लोगों को देना पड़ेगा, इसका मुकम्मल तरीका आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात है, आप लोग 20 एडवांस रिलीज लोन के तौर पर ले सकते हैं, या आप लोगों ने मंथली सैलरी में से कटवा के इंस्टॉलमेंट्स में वापस करना होता है, जितना भी आप लोगों को बैंक के साथ एग्रीमेंट हुआ होगा। तो फ्रेंड्स, नेशनल बैंक ऑफ अकाउंट होल्डर्स, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट होल्डर्स ही ये सिर्फ मैं एडवांस सैलरी लोन ले सकते हैं। इसकी मैक्सिमम लिमिट जो है लोन लेने की, वो आप लोगों की 20 लाख है, 20 लाख तक आप लोग लोन ले सकते हैं। और ये लोन लेने के बाद आप लोगों को 5 साल के अंदर अंदर वापस करना होता है। इसके लिए नो मिनिमम इनकम, किसी किस्म की मिनिमम इनकम या कोई ऐसी आप लोगों को कोई चीज़ रखवा के ये लोन नहीं मिलता, बल्कि जस्ट आप लोगों की सैलरी की बेस पे मिलता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, 2 रेफरेंसेस आप लोगों को रिक्वायर होते हैं, जो कि कोई गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हों या फिर आप लोग वेल रिप्यूटेड लोग हों, बैंक डिफ़ॉल्टर ना हो, वो लोग आप लोगों के रेफरेंसेस बन सकते हैं। तो इसके अलावा इस पर 19% मार्कअप होता है पर एनम। इसके अलावा इसकी 2% प्रोसेसिंग फ़ीस भी होती है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आप लोग 20 लाख लेते हैं तो इसका 2% 20,000 रुपया बनता है। और इसकी अगर मज़ीद मालूमात आप लोग कुछ लेना चाहते हैं तो इसका हेल्पलाइन नंबर 1116276627 पर आप लोग कॉल करके भी पता कर सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को लोन लेने के लिए रिक्वायर होते हैं, उसमें एप्लीकेशन फॉर्म होता है, 2 रेफरेंसेस होते हैं, इसके अलावा आईडी कार्ड, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ये आप लोगों को रिक्वायर होते हैं। तो आप लोग ये लोन ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।